कोटपुतली के बानसूर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संग्राम देखने को मिला, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने बताया कि हमने जमीन बेची थी, जिसका एग्रीमेंट प्रॉपर्टी वालों को करवा दिया था, और 26 अप्रैल को रजिस्ट्री होनी थी। उससे पहले ही दर्जन भर से ज्यादा लोग हथियार लेकर दूसरी जमीन पर कब्जा करने लगे। मना करने पर लाठी डंडों सरियों से हमला किया, और जिसमें महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। लड़ाई में जमीन मालिक सुखदेव सैनी और उनका पोता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बानसूर उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ सुखदेव सैनी की हालत खराब होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस को 4 बार फोन करने के बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। कोटपुतली से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हम अपने खेत में काम कर रहे थे, भूसा भर रहे थे, भूसा उठा रहे थे, तभी मंगल जाट, महिपाल जाट, नाथू जाट और सोनू खैरतल से और उनके साथ 20-25 लोग आए और आते ही लठ बटर लेके आए, हथियार लेके आए, लठ लेके आए और उनके साथ कुदाली थी, बेलचा था मरने वाला, गाड़ी में लेके आए, वहाँ कैमरा भी लग रहा है, सीसीटीवी कैमरा, वो कैमरा भी चेक कर सकते हो। आते पिताजी के ऊपर, भतीजे के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, मेरी मिसेज, मेरी माँ, इन सब के ऊपर लठों से धावा बोल दिया इनको मारने के लिए। मेरे पिताजी का पैर तोड़ दिया, भतीजे का सिर फोड़ दिया, मेरे पीठ में लगी, मेरे बेटे का सिर फोड़ दिया, मतलब सारों को मार पीट के और भगे मौके से। कुछ भूमिया क्या है, मंगल, सोनू, नाथू, महिपाल और 5-10 उनके साथ होते, सतीश, टिंकू और टिंकू, ये आए और मेरे एकदम लठ के मार दी उन्होंने। खेत में काम कर, खेत पैक तोड़ दिया मेरा, खेत में काम कर रहा था मैं। पहले से कुछ झगड़ा था क्या? पहले से कोई झगड़ा नहीं था, उन्होंने जमीन ले रखी थी और रजिस्ट्री करवाई नहीं, कब्जा कर रहे थे जबरदस्ती।